if you talk about Pakistan's sports, then mainly we have cricket and stuff, and like not enough football or hockey, as we all say. India as a whole country is like much time large. से वो काफी गुना बड़ी है वो. बच्चों को कोई ऐसी तरबियत नहीं मिलती, अकेडमीज़ नहीं हैं. आप ये कह सकते हैं कि अकेडमीज़ नहीं हैं. इस वजह से हमारा जो पाकिस्तान है ना, वो इस लिहाज से पीछे रह रहा है इंडिया से. इंडिया जो है वो आईसीसी की हम बात करें तो मेरे ख्याल से सारा बजट ही इंडिया का उसमें लगा हुआ है आईसीसी में. पीसीबी का इतना बजट ही नहीं है. एक तो ये चीज़ है, इन्वेस्ट करने का उनका मकसद ये है कि उधर से वो लोग कमाते भी है. इन्वेस्ट करते हैं इसलिए कमाते हैं. कोई भी कंट्री, जितनी भी टीमें हैं क्रिकेट की, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जाके खेले, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी खासी है. जाहिर है हमारे पास इतने पैसे नहीं है. उसके अलावा यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को हम लोग इंटरमिक्स कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ना मसले है. हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया. दिस इज योर होस्ट आमनादर एंड यू वाचिंग हम आवाज़ विद मी. और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक एक डिस्कस करने वाले हैं हमारी आवाम से, हमारे लोगों से. और वो ये है जी कि इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू हैंडल 50 स्टेडियम्स फॉर ODI मैचेस. जी हाँ, इंडिया के पास अब 50 स्टेडियम्स हो चुके हैं जहाँ पर इंडिया ऑफर कर रहा है ODI मैचेस को. एंड दैट मेक्स इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू हैव सच अ बिग अमाउंट ऑफ स्टेडियम्स. ये बहुत बड़ी बात है. स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया एक बहुत अच्छा इमेज क्रिएट कर रहा है और डेफिनेटली ये एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करता है. तो इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ के आवाम, वो क्या सोचते हैं, आइए लोगों से जानते हैं उनका ओपिनियन. हमारे साथ रहिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? अब्दुल्ला. अब्दुल्ला क्या करते हैं? ओ लेवल स्टूडेंट फ्रॉम क्रिसेंट. ओके, वेरी नाइस टू नो. अच्छा अब्दुल्ला, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास. सवाल हमारा ये है कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो किसी भी कंट्री की जो स्पोर्ट्स है वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? फर्स्टली अगर हम देखते हैं तो जो कंट्री ज़्यादातर स्पोर्ट्स में इंडल्ज करती है, सो दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट द कल्चर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन दैट. इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान्स स्पोर्ट्स, देन मेनली वी हैव क्रिकेट एंड स्टफ, लाइक नॉट इनफ फुटबॉल और हॉकी एज वी ऑल से. एंड इफ यू इवन गो एनीवेयर, आप गलियों में जाएँ, आप बेशक ये प्ले ऑन वगैरह में जाएँ, मोस्टली आपको मतलब क्रिकेट्स ही मिलेंगी. क्रिकेट लोग खेल रहे होंगे. एंड दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स के अगर एक कंट्री इज़ वेरी लाइक indulge in one sports, that means their youth, their young generation is playing that very much. Okay. Or they enjoy that very much. Okay. Simple as that. So the point is, agar hum states ki baat kare, if we talk about the states, to ek positive image create karti hai hamari kisi bhi country ki jo sports hai, you know, the better a country is playing in sports, you know, is paying attention in sports, the better image they create on the international level, you know. So what do you think about that, on that perspective, ke hum is cheez ko kis tarah se behtar kar sakte hain? When we talk about Pakistan, to Pakistan mein international cricket players ya koi bhi teams jo hai wo nahi aati hai, pasand nahi karti hai, because they think we are not, you know, security basis pe or any other stuff. To kya kahenge is bare mein? That is simply down to one major factor. आप किसी के point of view को change नहीं कर सकते. You can never alter someone's point of view. अब that is somewhat our fault as well कि पाकिस्तान में मतलब कुछ ऐसे incidents हुए थे जिनकी वजह से players were not feeling safe. अब of course like if I am robbed on the street, मैं दोबारा कभी street पर जाने से पहले डरूंगा. कोई मुझे कहेगा यार तू सेफ है यहाँ पर, मैं भी कहूँगा यहाँ पर मेरी चोरी हुई है, तो आई एम लाइक रियली स्केर्ड एंड स्टफ. Okay, so the point is, let me ask you another question and let me you know, make a statement of it. अगर हम लोग अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया इज़ नाउ अ फर्स्ट कंट्री विच ऑफर्स 50 स्टेडियम्स फॉर ODI मैचेस ओनली. तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो इंडिया इज़ बींग अ कंट्री, नेबर कंट्री, सेम हमारे सर्कमस्टांसिस सेम थे, हम एक तरह से आज़ाद हुए थे, हमारी यू नो ऑडियंस भी सेम थी, हमारे लोग भी एक जैसे हैं, तो फिर इंडिया ने इतना बड़ा डिस्टेंस कैसे क्रिएट किया है? दे आर यू नो वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, दे आर टेकिंग सो मच आउट ऑफ इट एज वेल. इफ यू लुक एट द कंट्री एज अ होल, पाकिस्तान बस आई नो सेपरेटेड लाइक विद सेम टर्म्स विद इंडिया, बट इंडिया एज अ होल कंट्री इज लाइक मच टाइम लार्ज, से वो काफी गुना बड़ी है वो. ओके, और पाकिस्तान में एज यू नो कि इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन, इफ यू टॉक अबाउट द एरिया एज वेल, यू नो, मैं लाइक एरिया रकबे उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू लुक एट रिसोर्सेज, ठीक है ना. As you know, like their major spoils broke out and India ने कुछ resources मारे भी रख लिए थे. जी बिल्कुल, आउटपुट उनको मिल रही है. असल में हमारे जो मुल्क में टैलेंट है ना, मैं बेसिकली सियालकोट से आया हूँ, तो उधर जो है ना क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है. Okay. लेकिन उनको कोई नेशनल लेवल पे कोई ऐसी सहूलत नहीं मिलती, बच्चों को कोई ऐसी तरबियत नहीं मिलती, अकेडमीज़ नहीं हैं. आप ये कह सकते हैं कि अकेडमीज़ नहीं हैं. इस वजह से हमारा जो पाकिस्तान है ना, वो इस लिहाज से पीछे रह रहा है इंडिया से.
क्योंकि नेशनल लेवल पे जो चीज़ बिल्ड होती है ना वो ही टैलेंट को लेके आगे चलती है, है। इसमें ये चीज़ है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम इसी चीज़ को देखें तो स्पोर्ट्स जो है एज अ होल एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का। इसी चीज़ को अगर देखें तो इंडिया इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा सीरियस लेते हुए अपनी स्पोर्ट्स को इनपुट भी देता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, या स्पोर्ट्स की कोई भी फील्ड हो, वो अपनी अपने स्पोर्ट्समैन पर इन्वेस्ट करते नज़र आते हैं। इस चीज़ को आपके ख्याल में कितना पॉजिटिवली देखा जा सकता है और किस तरह से आप इसको देखते हैं? इंडिया जो है वो ICC की हम बात करें तो मेरे ख्याल से सारा बजट ही इंडिया का उसमें लगा हुआ है ICC में। PCB का इतना बजट ही नहीं है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको स्टेडियम्स बनाने की बहुत ज़रूरत है, अच्छा ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा। और नेशनल लेवल पे बच्चों को इसका क्रेज़ बढ़ाएँ कि वो मोबाइल को छोड़ें और क्रिकेट को ज़्यादा एक्सेप्ट करें, क्योंकि इस पर जो है हमें ज़्यादा, हम वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं तो मज़ीद हमें जो दूसरा ये हमारे कंट्रीज़ में अगर मैचेस होंगे, डॉलर्स इधर आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उससे हमारा ज़रे मुबादला भी बेहतर होता है। तो ये नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को देखें। अच्छा सर, यहाँ पर एक और सवाल करूँगी, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, आपने खुद ही कहा कि PCB का बजट इतना नहीं है और हम लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्या लगता है इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं हमें जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, हम लोगों को वाकई में इसकी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल करना पड़ रहा है इससे हमें, इसकी मतलब देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो इंटरनेशनल है ना क्रिकेट, वो पाकिस्तान में तो आ ही नहीं रही, बहुत कम आ रही है, अगर आती भी है तो बहुत कम है। इधर वर्ल्ड कप आप देखें कि वो सारे हमारे लास्ट बांग्लादेश में ट्रांसफ़र हो गए थे, तो इधर विजिटर्स आएंगे, सारा कुछ इसी तरह बजट भी बढ़ेगा, PCB का भी जो है बजट वो भी बढ़ेगा, ये चीज़ है इसमें। तो सर क्या कहेंगे, स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है पाकिस्तान में, कितना ज़्यादा हम लोगों को चाहिए है कि हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ जो है अपने बच्चों का भी और इन लार्जर सेंस मैनेजमेंट का भी हम लोग उस तरफ को ध्यान लेकर? हेल्थ के हवाले से भी अगर देखें तो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और स्पोर्ट्स इज़ अ गुड एक्टिविटी। जी बिल्कुल, ऐसे फिज़िकल अब स्कूल्स में भी करवाते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि नेशनल लेवल पे करवाने की अकेडमीज़ बनाने की ज़रूरत है। सियालकोट नहीं है यहाँ पर, हमारे कोचिंग भी नहीं है, हमारे सियालकोट में ऐसे बेशतर लोग हैं जिनके बैट से इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, तो हम इधर क्यों नहीं मोटिवेट करते अपने बच्चों को कि वो आगे आएँ और इसमें हिस्सा लें और जो अच्छा टैलेंट है वो हमारा आगे आने चाहिए। सही बात है, इंडिया जो है स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और उसका मतलब इन्वेस्ट करने का उनका मकसद ये है कि उधर से वो लोग कमाते भी है, इन्वेस्ट करते हैं इसलिए कमाते हैं। जैसे आप IPL को लेके देख ले, IPL में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्लेयर्स को पैसे देते हैं, तो मतलब उसकी स्क्रीनिंग भी उतनी ही होती है, उससे कमाते भी वो लोग उतना ही है, मतलब आप जहाँ जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको आउटकम मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक ये चीज़ तो ऑब्वियसली है कि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और उनको आउटकम भी मिलता है, आउटपुट भी मिलता है उसका, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग इन अ ब्रॉडर वे देखें तो एक किसी भी कंट्री है उसकी स्पोर्ट्स जो है एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट भी करती है। अगर हम उस पॉजिटिव इमेज की क्रिएशन की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली इस चीज़ पर आ रहा है कि उसने एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर लिया है। इस बारे में क्या कहेंगे कि वाकई में इंडिया इज़ नाउ सक्सेसफुल इन मेकिंग अ पॉजिटिव इमेज इन द होल ग्लोब? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप इंडिया को उठा के देख ले, मतलब कोई भी कंट्री, जितनी भी टीमें हैं क्रिकेट की, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जाके खेले, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी खासी है और उसके अलावा जो IPL उनका है वो एक ब्रांड है, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने क्रिकेट बोर्ड है दुनिया में, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ खेले या इंडिया को अपने मुल्क बुलाए या फिर इंडिया जाके खेले, क्योंकि इंडिया ने ना इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के बारे में मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है वो बिल्कुल कम है, क्यों? पहली बात तो मेन चीज़ तो यह है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम लोग स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करें। आपने जैसे कहा कि इंडिया में 50 स्टेडियम्स बनाए हुए हैं, तो आप पाकिस्तान को उठा के देख ले, लाहौर उठा के देख ले, लाहौर इतना बड़ा शहर है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेडियम है, कजाफी स्टेडियम, और उसकी हालत भी मतलब इतनी अच्छी कोई नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की स्टेडियम तो वो है ही नहीं। तो जाहिर है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, उसके अलावा यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को हम लोग इंटरमिक्स कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ना मसला है। अच्छा, तो अगर आपको क्या लगता है, आपने कहा कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को हम लोग इंटरमिक्स कर लेते हैं, तो क्या वाकई में ये चीज़ हमारे स्पोर्ट्स को गलत कर रही है या हमारे स्पोर्ट्स के ऊपर एक बैड इमेज क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा इमेज खराब? बिल्कुल ऐसा ही है। आप जैसे मतलब देख लेना, हमारा जो चेयरमैन होता है
जो भी चेयरमैन आए उसका किसी न किसी प्लेयर के साथ मतलब उसका यह होता है कि झगड़ा टाइप का होता है। अब आमिर और क्या नाम क्लैश होता है जिसकी वो पर्सनल क्लैशेस पर्सनल इश्यूज को वो लोग जो है ऐसा ही है पर्सनल इश्यूज को वो लोग स्पोर्ट्स के बीच में ले आते हैं तो इसकी वजह से ना मसले अच्छे प्लेयर्स को आगे। तो क्या लगता है कि हम लोग इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं? इसमें बेहतरी सीधी सी बात है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब जो जिसको क्रिकेट की समझ है, जो जानता है या फिर जो पास का काम उसी को साझे, ऐसा ही है जिसका काम उसी को साझे, मतलब जिसने क्रिकेट खेला हुआ है उसको, मतलब आप बोर्ड में मतलब चेयरमैन उसको बिठा दे या फिर सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर, इसमें सारे उन लोगों को ले आए जो फेवरेटिज्म पे नहीं, जो मतलब टैलेंट पे वो लोग ट्रस्ट करते हो। ठीक है, तो यह है बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे।